bird on a tree. I'm just sitting here. काई ओवेस दुनिया का सबसे तीसरा सबसे बड़ा और ओवेस जो है ये हमारे सामने जो है वो निकल कर आता है। अब मैं आप काई ओवेस के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है क्योंकि कुछ खबरें ऐसे निकल कर आ रही थी कि वावे जो है काई ओवेस के साथ कुछ पार्टनरशिप इंटरनली कर रही है। हमें सभी जानते हैं कि अलग अलग तरह की ओएस जो है अलग अलग तरह की कंपनी जो ट्राई करती रहती है, लेकिन अब क्या वावे जो है पूरी तरीके से बैंड हुई चुकी है और वावे के निकलने का कोई भी चांस जो है वो नहीं दिखता है। लेकिन अब वावे क्या करेगी, तो फाइनली वावे ने जो है अपना कुछ रिएक्शन दिखाया है। सबसे पहले तो उनके सीईओ ने कह दिया कि भाई आप एप्पल को बॉयकॉट मत करो, हम सब कुछ खुद से ही देख लेंगे। और उसके बाद अब जो है वावे ने जो है वो क्या किया है कि वो यूएस में जो है यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो यूएस कोर्ट में उन्होंने फाइल कर दिया, क्योंकि वो हमारे ऊपर जो है झूठा आरोप लगा रहे हैं डेटा शेयरिंग का, चीटिंग का। तो अब क्या होने से, अगर ये सब कुछ अगर वावे के फेवर में होता है चलो तब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वावे के फेवर में अगर वो फैसला नहीं आता है तो उसके बाद जो है वो हो सकता है कि जो यूएस गवर्नमेंट उसे 3 महीने की सलाह देती सुधरने के लिए वो भी नहीं सुधरेगी। तो अब क्या, तो अब मैं आपको एक कुछ टाइम में कुछ और बता देना चाहता हूँ आपको। एक टाइजन ओएस भी था जिसको आप लोग याद करना चाहोगे, तो उस टाइजन ओएस में ये था कि आपको जो है एक सैमसंग के जेड सीरीज़ वाले स्मार्टफोन्स मिलते थे, उन जेड सीरीज़ में आपको टाइजन ओएस मिलता था। और वो टाइजन जो था वो एक नॉर्मली सिंपल सा था ओएस था जो लिनक्स बेस्ड था। अब उसमें ये थे कि कुछ नॉर्मल से फीचर्स थे, आप ऐप्स उसमें डाउनलोड तो कर सकते हैं लेकिन उसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ जो था वो नहीं था। लेकिन आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर सकते यूसी ब्राउज़र को जो है वो रूट कर कर। अब उसके लिए कैसे तो आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन मैंने सैमसंग Z2 को जो है वो रियली यूज़ किया और मुझे पता है कि टाइजन इंस्टॉल करने का जो फीचर होता है वो किस तरीके से होता है। तो टाइजन के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइजन एक ऐसा ओएस था जिसमें टाइजन स्टोर था और उसमें बहुत सारे घटिया तरह के एप्लीकेशन जो थे वो डले हुए थे। अब लोग सोच रहे हो कि भाई वावे के थंबनेल में तो मैंने आपको दिखाया था कि मैं आपको वावे के आर्क ओएस के बारे में बताना चाहता हूँ, तो हाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ओएस निकले लेकिन किसी ने भी एंड्रॉयड को जो है वो पीछे नहीं किया। लेकिन अब वावे ने जो है वो फाइनली जो है अपना एक ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है जिसको वो लोग बोलते हैं वावे आर्क ओएस। इन ट्रेडमार्क को जो है वो वावे ने जो है वो रजिस्टर्ड किया हुआ है और यूरोपियन मार्केट में जो यूरोपियन कुछ EU IPO जो है उसने जो वहाँ पर जो है ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड किया हुआ है। अब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया है तो इसका मतलब हो सकता है कि वावे के जो होंग मैंग ओएस था हो सकता है उसको चाइना में जो है वो होंग मैंग नाम से बेचे, लेकिन ग्लोबल मार्केट के लिए वावे जो है अपने नाम को चेंज कर आर्क ओएस कर दे। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि वावे जो है अपने आर्क ओएस को जो है वो ग्लोबली जो है वो 2020 अर्ली में स्टार्ट करेगी और अपने डोमेस्टिक यानी चाइना के लिए वो जो है आर्क ओएस को लॉन्च करेगी इस ईयर। अब ये स्ट्रॉन्ग ऐसे र्यूमर्स है कि वावे जो है आर्क ओएस को जो है अपने सिस्टम भेज सकती है। अब आर्क ओएस में फीचर्स कौन कौन से होंगे, तो हो सकता है कि आर्क ओएस भी जस्ट आपको टाइजन ओएस और काई ओएस की तरह ही मिलता जुलता देखे जिसमें आपको एक ऐप स्टोर मिले। और कुछ वक्त पहले ऐसी खबर चल रही थी कि वावे जो है वो एप्पल के साथ पार्टनरशिप कर रहा है ताकि वो उसके लिए एक ऐप स्टोर जो है डेवलप कर सके और जितने भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको एक नई सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो वो कन्वर्ट करके वावे के ऐप स्टोर में जो है वो प्रोवाइड करें। लेकिन वावे कितने ऐप्स को जो है वो थी मतलब क्या कह सकते हैं वावे कितने एप्लीकेशंस को जो है वो प्रमोट करेगी या मतलब उसको कन्वर्ट कर APK में बनाएगी। अब वावे आर्क ओएस में हो सकता है कि आप एप्लीकेशन को साइड लोड भी कर सके, लेकिन क्या हमें वो एंड्रॉयड फीचर्स मिलेंगे जो हमें एंड्रॉयड में मिलते हैं, क्या हमें वो पूरी तरीके से जो यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सअप और इन जैसी चीज़ों का जो यूज करते हैं क्या वो हम यूज कर पाएंगे, तो देखते हैं कि वावे इस आर्क ओएस के बारे में क्या कहती है। तो फिलहाल मैंने जो आप आर्क ओएस से रिलेटेड और भी कुछ नॉलेज जैसे कि अगर हम आर्क ओएस को कर लेंगे वो कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगा, और लेट सपोज चाइना वालों का तो भाई है कि वो गूगल के बिना चला लेंगे, लेकिन हम इंडियंस या फिर ग्लोबल मार्केट में गूगल के बिना क्या हो सकता है, क्योंकि गूगल जो है बहुत ही बेहतरीन अपने जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जो तैयार करता है और कोई भी नया जो एप्लीकेशन होगा वो हमेशा के लिए जो वो प्ले स्टोर पे ही आएगा, तो हम भाई क्यों उस एप्लीकेशन को साइड लोड करें। या फिर साइड लोड करने के लिए हमें चाहिए सीमलेस एक्सपीरियंस। जब हम किसी स्मार्टफोन के लिए हम 10,000 15,000 20,000 25,000 50,000
रुपये, और वावे के तो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स भी आते हैं जो कि करीबन 1 लाख रुपये से ज़्यादा के भी हो जाते हैं। और वावे अपना जो एक नया जो स्मार्टफोन वो कह रही थी वावे मेट टेक जो कि 5G फोल्डेबल फ़ोन है वो लाने वाले थी। तो मैम किस तरीके से, क्योंकि भाई हम इतना पैसा खर्च कर हम एक जो स्मार्टफोन परचेज करें और जिसमें जो है हमें एप्लीकेशन को साइड लोड करना पड़े, ये तो उतनी अच्छी बात नहीं है। अगर मुझे आप कमेंट से बताइए कि अगर आपको कोई आर्कोवेस का अपडेट मिला तो क्या आप उसको इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर फ्यूचर में कोई भी आर्कोवेस हॉन्गमेंग हो या सर्वावे की तरफ से कोई भी न्यूज़ आएगी तो आपको मेरे चैनल पर जो है वो मिल जाएगी। और मुझे 950 सब्सक्राइबर जो पूरे होने ही वाले हैं, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए, हमें 1000 सब्सक्राइबर्स तक जल्द से जल्द पहुंचना है फ्रेंड। तो थैंक यू, और आप इस वीडियो को शेयर करें हर वावे और ऑनर स्मार्टफोन धरता करता के पास ताकि वो जान सके कि उसके स्मार्टफोन के फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों, एंड गुड बाय।